हे गाइस गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वणकम सलाम जय श्री कृष्णा। तो हाँ बेटा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बढ़िया यॉट पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ड्रॉप ऑफ हो चुका है और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी यॉट कहाँ से लीव करेगी। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यहाँ पे, मेरे पीछे दुबई आई भी है, तो दुबई आई भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगा बढ़िया। और यॉट से सब कुछ अच्छे से दिखता है, इसलिए मैंने यॉट किया है। अब अपन को देखना है कि यार अपने यॉट आएगा कहाँ पे। टाइम हो गया। भाई बोर्डिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है, दिक्कत इतनी हो रही है कि अब जाए तो जाए कहाँ। ड्राइवर हमें कहीं और उतार के गया है, वो बोल रहा है कि सर यहाँ पे नहीं है, ये वहाँ पे है जहाँ से आप आए हो रास्ते में। अब समझ नहीं आ रहा है कि हमें जाना था एक्चुअली, और टाइम हमारे पास 5 मिनट्स और है, मिस हो गया तो हो गया कहाँ। स्ट्रीट देखो यार, क्या स्ट्रीट है। हाँ कितनी सही स्ट्रीट है। गाइस फाइनली पहुंच गए एकदम एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे। ये मेरे पीछे ये रहा एक्सक्लूसिव का, और ये मेरे हाथ में टिकट्स, ये रहे, वो भी रास्ते में ही है। और सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वरना कुछ हो नहीं पाता ये। जस्ट बी केयरफुल, ओके, इट्स स्लिपरी। वेट बेटा। लड़ते झगड़ते मरते कूदते कटते पटते चटते लड़ते पड़ते सब कुछ किया, लेकिन पहुंच गए। ये यॉट है और वहाँ पे ऊपर कुछ लोग बैठे हुए, और हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे जाओ, आराम से व्यू का मज़ा लो, एंजॉय करो। ह्यू को देखो, ह्यू कितना हैंडसम लग रहा है, ह्यू बताओ। तो कैसे भी करके पहुँच गए, एंड दे वर काइंड इनफ टू लेट अस इन। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट 9 बजे मैंने उसको फ़ोन दिखाया, मैंने बोला भाई तू स्कैन कर अंदर जाने दे, ठीक है जाओ, वैसे आधे घंटे पहले आना पड़ता है। उन्होंने बोला ठीक है यार, हम आपके ही वेट कर रहे थे, आप आ गए, अब निकलते हैं। तो कैप्टन रेडी है, हम भी रेडी है, यहाँ पे बैठो मज़े करो। धूप है बट भाई जिसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक हो ना, यॉट मिस मत करना। मतलब इतना सही दे देखो, इतना सही यहाँ पे आपके फोटोज वीडियोज आएंगे ना। यहाँ पे ऊपर भी है, देख लेते हैं। गाइस ये है अंदर का यॉट के, यहाँ पे आप खाना पीना लग जाएगा, यहाँ पे बैठने का है, ये वॉशरूम हो गया, ये सिटिंग के लिए हो गया।
चलो भाई अब टाइम हो गया है थोड़ा सा, अपन डिजर्ट भी चलते हैं। डेजर्ट, दुबई के डेजर्ट एक्सप्लोर करते हैं, कैसा क्या होता है, ड्यून बेशिंग करते हैं, कैमल राइडिंग वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें। चलो देख के आते कैसे क्या है। मैंने तो सिर्फ अभी तक वीडियोस वगैरह पे देखा है, आज असलियत में जाके देखते हैं। ओके लेट्स गो गाइस। हुआ कुछ ऐसा कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए। उसने मैंने टेंथ को बुक कराया था हमारा डेजर्ट सफारी पर, उसने मेरा नाइन्थ को बुक कर दिया बेवकूफ़ ने। और फिर मेरे को बोलता है कि नाइन्थ को तो भैया यहाँ पे बारिश वारिश हो गई थी तो हमने सारे प्लान कैंसिल कर दिए, तो आपको भी कैंसिल करके आपको रिफंड दे दिया। और अभी क्या करना है, नया प्रोसेस करना है, क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ उसको गधे, तो तुमने सुबह से मेरे को क्यों बोल रहा है कि ड्राइवर आएगा। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो गए, इतने ज़्यादा दिमाग मेरा तो चढ़ गया ऊपर। पर खैर जो भी हुआ है, अभी अपन ने वापस कल की बुकिंग करी है और अभी अपन कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, कैसा दिखता है। वहाँ जाके बताता हूँ कि किस जगह पे एग्जैक्टली जा रहे हैं। और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, धूप बहुत तेज़ है आज। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सोने की दुनिया में, यानी कि गोल्ड सुख में इसे बोलते हैं। सुख मतलब होता है मार्केट, तो गोल्ड का मार्केट है ये। हम लोग आ गए हैं गोल्ड के मार्केट में, हमारे चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड गोल्ड भाई साहब, इतना गोल्ड है। भाई गोल्ड देखो यार, पूरा का पूरा भरा हुआ है। भाई अभी तो ये गोल्ड का सिर्फ ट्रेलर था, असली गोल्ड सूट तो अब चालू है। है ओल्ड पार्ट ऑफ दुबई जहाँ पे होता है सूक मार्केट, मतलब सूक का मतलब होता है मार्केट, तो गोल्ड का सूक, स्पाइसेस सूक, इत्र सूक, ये सब यहीं पे मिलेंगे आपको। मेरे को क्या बोल रहा है बेटा, गोल्ड नहीं दिखाते, गंदी बात।